पीरियड का ज़्यादा अमल। ये मैं वीडियो अपनी बहनों के लिए बना रहा हूँ। कुछ मेरी बहनें ऐसी हैं जो बहुत सारे कॉल्स हमें करती हैं और कमेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं कि हकीम साहब पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ तक कि हर 10वें दिन शुरू हो जाते हैं और फिर जब आते हैं तो इतने आते हैं कि बहुत ज़्यादा आते हैं, रुकने का नाम नहीं है। यानी पीरियड में ब्लीडिंग का ज़्यादा होना, वक्त से पहले ही शुरू हो जाना, ठीक है। अब आप जानते हैं अगर पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होगी या वक्त से पहले होंगे तो फिर क्या इसके नुकसान होंगे, आज इंशाल्लाह हम इसको आपके सामने ज़रूर रखेंगे और इसका जो नुस्खा है वो भी रखेंगे और इसके फ़वाद भी इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, बनाने का तरीका भी बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ एक मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। दोस्तों मैं हूँ अजहरी दवाखाने की जानिब से हकीम मोहम्मद रिजवान और आप मेरी वीडियो शायद देखते होंगे तो आप समझ चुके होंगे कि मेरी आज ही वीडियो नहीं, रोज़ाना कोई ना कोई नए नुस्खे के साथ मैं हाजिर होता हूँ और कई हज़ार वीडियो मेरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ठीक है। और आज जो मैं अपनी बहनों के लिए लेके आया हूँ ये कोई ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, बल्कि आपकी किचन से आपका इलाज बताने लगा हूँ। दोस्तों पीरियड एक ऐसी बीमारी है जिसको औरत जो है झेलती है। पीरियड का कम आना ये भी औरत के लिए ख़तरनाक है और पीरियड अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो भी ख़तरनाक। अगर पीरियड कम आते हैं तो समझ लीजिए कि उसके सर में दर्द रहेगा, उसकी आँखियों में जलन पैदा हो जाएगी, वो मोटी होना शुरू हो जाएगी, उसके कंधे भारी हो जाएंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी तकलीफों में और हिम्मत भी सुधरती है। लेकिन अगर पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में औरत इतनी कमज़ोर लागर हो जाती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी होती है। क्योंकि जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, पीरियड ज़्यादा आ रहे होते हैं, जब खून का ज़्यादा इखराज होता है, तो ऐसी सूरत में महिलाएं कमज़ोर हो जाती हैं। तो अब बढ़ते हुए खून को, खारिज होते हुए खून को कैसे रोका जाए, सिर्फ इंशाल्लाह चार खुराकों में ही आपका जो ब्लीडिंग का मामला है वो बंद हो जाएगा। तो आपको लेना क्या है, आप ले लें धनिया खुश्क 6 माशा, ठीक है। आधा सिर पानी में इसको पका लें अच्छे से और जब पकते पकते ये पानी आधा रह जाए तो इसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर गरम गरम पी जाएँ। इंशाल्लाह पहली 3 से 4 खुराकों में आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। ज़्यादा पीरियड आना समझने नहीं, कसरत हैज़ का होना, वे वक्त पे होना इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही कारगर है। आप इस्तेमाल ज़रूर करें और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी बताएँ, ठीक है। बाकी अगर आप कोई पर्सनल आप अपनी बीमारी शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम।